गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीसेट में मैथ्स के और रीजनिंग के दो क्वेश्चन पढ़ेंगे। जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं उनको सीसेट का तकलीफ का यही कारण है कि उनकी मैथ्स की जो पृष्ठभूमि है वो छूट चुकी है, और मैथ्स की पृष्ठभूमि छूट जाने के चलते उनको यह दिक्कत हो रहा है। अब इससे हमारा क्वेश्चन आया है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, पहले मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, फिर हिंदी में उसको क्वेश्चन लिख के मैं सोचता हूँ। There is a milk sample with 50% water in it. If 1/3 of this milk is added to equal amount of pure milk, then water in the new mixture will fall down. हमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं। दूध के एक नमूने में 50% पानी है, यदि इस दूध का वन बाय तीन भाग इतने ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिलाया जाए, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत तक कम हो जाए, अब हमें इस क्वेश्चन को समझना है कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या है। इसमें ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, ए 30%, बी 20%, सी 25%, डी 45%। क्वेश्चन पूछ रहा है, दूध के एक नमूने में 50% पानी है, यदि इस दूध का 1/3 भाग इतनी ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत कम हो जाए। हमने आपको बताया था कि पहले हमें क्वेश्चन को समझना जरूरी है, और क्वेश्चन को समझने के बाद उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। क्वेश्चन को सोल्व करना कितनी है एक्स। अब इसका बोल रहा है कि इस टोटल का 1/3 भाग
इतनी ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिलाया जाए। अब x जो हो गया, x का कितने 1/3, अब 1/3 इसमें से हमने दूध और पानी दोनों के मिश्रण में से 1/3 मिश्रण को निकाल लिया। अब यह देखिए 1/3 में इसमें 1/6 तो पानी है और 1/6 यहां पे क्या है, दूध है, ठीक है। हमने टोटल मिश्रण जो था उसमें से 1/3 हमने दूध और पानी का मिश्रण निकाल लिया और 1/3 जो दूध और पानी का मिश्रण निकला इसमें 1/6 पानी है और 1/6 दूध है। कैसे, 1/3 को हाफ करेंगे, यहाँ पे x by third को जब हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यानी x by 6, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जितने हमने मिश्रण को निकाला है उतना ही प्योर दूध को अगर दूध में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना कम हो जाएगा। अब इसमें दूध तो 1/6 है, अब इसमें जितना हमने निकाला था x by 3 इसमें पानी दूध दोनों मिक्स है, इतना ही केवल प्योर दूध इस दूध में मिक्स ही है। तो x by 6 plus x by 3, यहां कोई दिक्कत किसी को, 6 3 का एलसीएम ले लिया तो 6 यहां x आ गया, ठीक है, और यहां 2x आ गया, कितना हो गया 3x/6, इसको कट कर दीजिए, यानी आ गई x/2। अब हमें पूछ रहा है कि टोटल मिश्रण में एक जो पानी का कितना प्रतिशत कम हो गया, ठीक है। तो टोटल क्या है, x/6 पानी है और x/2 दूध है, तो हमें जो प्रतिशत पानी की कमी हुई है की कमी हम क्या करेंगे, टोटल दूध यानी x/6 तो पानी है और हमारे प्योर दूध कितना हो गया x/2। अब इसमें पानी की कितनी प्रतिशत हो रही है, x/6 × 100, ठीक है। हमने इसको लिया x/6 नीचे आ गए, यह 6 हो गया, x हो गया 3x into 100, या 6 से 6 कैंसिल, यहां पे x अपॉन 4x into 100, x से x कैंसिल, 25% यानी 25% क्या हो गया, पहले तो 50% था, 50 पानी और 50 दूध। अब हमारा जो नया मिश्रण हुआ उसमें कितने प्रतिशत पानी की मात्रा रही, यानी 25%। तो जब पानी की मात्रा उसमें 25% बचा है तो कम कितनी हो गई, 25%। फिर से समझे इसको, हमें सीसे कोई बहुत बड़ी तकलीफ देने वाली नहीं है, जब 2011 के पहले तक हिंदी मीडियम की रिजल्ट उतनी अच्छी होती थी यूपीएससी में, यानी 45% 50% के आसपास आपकी यूपीएससी में सिलेक्शन होती थी। जब से आपका स्टार्ट हुआ सीसेट का, बहुत ही ज्यादा तकलीफ की बात हो गई। तकलीफ का बात क्या हो गई कि इसमें मैथ्स आ गई, रीजनिंग आ गई, स्पेशली यूपीएससी की जो पहले तैयारी करते थे वो केवल अगर जनरल कोई तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल 11-12 अगर उन्होंने साइंस से किया है तो ग्रेजुएशन वो आर्ट्स से करते थे,
या 11 12 भी वो आर्ट्स से करते थे, तो 3 साल उनकी गैप हो जाती थी ग्रेजुएशन के दौरान, तो मैथ्स को रीजनिंग को बिल्कुल नहीं देखते थे। जब उसको नहीं देखते थे तो उनकी जिज्ञासा भी उससे कम हो जाती थी, तो उनके पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी। यही कारण है कि जितने हिंदी मीडियम वाले बच्चे हुए हैं उनकी जब से सीसेट इंक्लूड हुई उनकी परसेंटेज डाउन हुई है, मात्र 10% सिलेक्शन हुआ। इस क्वेश्चन को मैं फिर से दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, आपको ये अप्रोच को समझना है। कुल मिश्रण हमारा x है, टोटल दूध पानी का मिश्रण। क्वेश्चन कह रहा है इसका 1/3 हमने 1/3 मिश्रण में से निकाल लिया। भैया 1/3 में क्या है, पानी भी है और दूध भी है, यानी इसको हाफ कर देंगे तो x/6 पानी हो गया और x/6 दूध हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जितनी मात्रा आपने निकाला है 1/3 इतना ही प्योर दूध को इस दूध में मिक्स कर दीजिए, तब बताइए कि टोटल मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा कम हो गई। अब इसमें x/6 मिक्स था, x/3 जो पानी और दूध का मिश्रण था इतना ही हमने दूध क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब टोटल हमारी प्योर दूध कितना हो गया, x/2 और पानी इसमें है x/6, तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत पानी कम हो गया। तो हमने इस पानी की प्रतिशत निकाल दी, तो पहले तो 50% था, 50-50 था। इसको निकालने के लिए टोटल को नीचे लिखते हैं, यानी पानी x/2 और दूध x/2, और हमारी पानी की परसेंटेज कितनी, पानी कितनी है x/6 into 100 परसेंटेज में निकालना है। हमने इसको सॉल्व कर दिया, 6 और 2 कैल्शियम, 6 sec x आ गया, 2 3 जा 3x, 6 से 6 कैंसिल, यहां x से x कैंसिल, 4 से 100 को डिवाइड कर दिया, 25%, यानी यह कितना परसेंटेज है, कितनी प्रतिशत बची है, 25%, यानी पहले दूध भी 50% था और पानी भी 50% था, यह लिखा हुआ है। दूध के एक नमूने में 50% पानी है, हमने 50% निकाल दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25%। देखिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि यूपीएससी जो आपकी सीसेट का टेस्ट लेता है वो आपका बहुत टफ पेपर लेना उनका मकसद बिल्कुल ही नहीं है। उनकी सोच है सिंपल क्वेश्चन लेना, ट्रिक वाली क्वेश्चन लेना, आपकी कॉमन सेंस को चेक करना। यूपीएससी को आपको जीएस से मतलब है, जितनी डीप नॉलेज आपको जीएस से पूछेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाकर पूछेगा। सीसेट सिंपल आपको जानना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपकी सोच कैसी है, आपकी सोचने का तरीका कैसा है, इस तरीका से सीसेट सॉल्व होता है। हमें क्वेश्चन का ये अप्रोच समझ में आ जाएगा, हमें केवल प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन चार चीज हमें करना, यानी गुना या भाग, चार चीज हमें करना हो क्वेश्चन समझ में आ जाए, इतने हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और ये केवल प्रैक्टिस से होगा, केवल ही केवल प्रैक्टिस से होगा, ऐसे हम चाहेंगे तो हमसे होने वाला नहीं है। और सबसे आसान है, क्या ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, कोई टफ क्वेश्चन पूछा है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है। हमें सिंपल क्वेश्चन को जानना है, समझना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व कर देना है, ठीक है। हम इसको चाहे तो एक और जैसा नेक्स माना है, हम कोई भी डिजिट भी मान सकते हैं। आपको डिजिट लेके बनाना है तो लाओ मैं आपको डिजिट लेके बना देता हूं। डिजिट लेके बनाना है तो दोनों मेथड से बना सकते हैं, आपके माइंड में अप्रोच कैसा है। हमने मिश्रण मान लिया 6 लीटर। अब 6 लीटर का वह बोल रहा है कि 1/3, तो हमने 6 का 1/3 निकाल लिया,
यानी कितने हो गए 2 लीटर। अब आप यहां देखिए 2 लीटर में 1 लीटर पानी है और 1 लीटर दूध है। अब ये बोल रहा है कि जितना आपने निकाला है इसमें पानी दूध दोनों का मिश्रण है, इतना ही प्योर दूध इस मिश्रण में मिक्स कर दिया, तो इस 2 लीटर हमने जो निकाला था इसमें तो पानी और दूध दोनों है। अब इसमें 1 लीटर पानी है और 1 लीटर दूध, हमने 2 लीटर इसमें प्लस कर दिया, अब दूध की कितने हो गए 3 लीटर और पानी कितनी है 1 लीटर, तो टोटल मिश्रण में दूध हो गया 3 लीटर और पानी हो गया 1 लीटर। अब पानी की प्रतिशत निकालना है, पानी की प्रतिशत कैसे निकलेगा, टोटल यानी 1+3, पानी की कितने है 1 और प्रतिशत निकालने के लिए इनटू 1/4 इनटू 100, 4 से 25 कितने हो गए 25%। यानी न्यू जो मिश्रण है उसमें पानी कितने प्रतिशत हो गया 25 और पहले जो हमारे दूध थे उसमें पानी कितना था, उसमें हमारा पानी था 50%, 50%, तो पहले 50% थी अब कितनी हो गई 25%, तो कितनी कम हो गई 50 में से 25 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25%। आपको समझ में आ गई। हम अगर हर टाइप में 2 से 3 क्वेश्चन बना लेते हैं मैक्सिमम, यूपीएससी में फिक्स है ज्यादा क्वेश्चन ऑफ टाइप में से नहीं देता है, यूपीएससी में फिक्स है कि आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन देगा और बस आपके पास टाइम ड्यूरेशन कम होती है। अगर स्टार्टिंग पीरियड में अगर हम 2 मंथ बहुत अच्छे से यानी 60 दिन सीसेट की अच्छे से तैयारी कर लें, तो 60 दिन में तैयारी करने के बाद हम आसानी से इसको रिवीजन करते रहेंगे और जीएस हो गए या ऑप्शनल हो गए हम उसको पढ़ाई करते रहेंगे, तो हमारी सीसेट की तकलीफ खत्म हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।